आप सभी के स्नेह प्यार और सहयोग से मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। मैंने अपना खुद का एक YouTube चैनल बनाया है, एक अपना कहानियाँ कवर की, और हमारी ये कोशिश थी कि जो कहानियाँ हम आप तक लेके आ पाएँ वो सीधी निष्पक्ष और मुखर होकर उनकी ही आवाज़ में हो जिनके मुद्दों की हम बात कर रहे हैं। हमने बिना किसी तामझाम के हमने सिंगल हैंडेड यात्रा की और हमने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ की, और जब हम यात्रा पे निकलते थे तो आप जैसे साथी, बहुत सारे लोग हमारी यात्रा के सारथी बने। किसी ने हमें सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा बाइक से तय कराई, कई बार हम 10, 12, 13 किलोमीटर पैदल चढ़ के हम जंगलों में गए और हमने उन मुद्दों को कवर करने की कोशिश की जो सच में हम कवर करना चाहते थे। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आज 3 साल पूरे होने पर मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है कि मैंने 3 साल पहले स्वतंत्र पत्रकारिता की शुरुआत क्यों की थी। मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे आपका स्नेह मिला, आपका भरोसा मिला, आपका प्यार मिला, और हर वक्त आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मुझे ये बताते हैं कि मुझे अपने काम को रोकना नहीं है, करना है, क्योंकि आप हमारी असली ताकत हैं। अगर मैं पिछले 2-3 दिन पहले का जिक्र करूँ तो मैंने BBC हिंदी के लिए एक स्टोरी की थी प्राची निगम की, जिन्होंने हाई स्कूल में UP बोर्ड टॉप किया था। वो स्टोरी मिलियन में पहुंची और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज भेजा और आपने कहा कि ये स्टोरी इतनी संवेदनशीलता के साथ आप कर सकती थी, तो शायद आपके भेजे मैसेज हमारी वो ताकत है जो मुझे कई महीने काम करने की हिम्मत देते हैं सीमित संसाधनों के बीच। मुझे ये साझा करते हुए आपके साथ बेहद खुशी हो रही है कि शेड्स ऑफ इंडिया के 3 साल पूरे होते हुए हमें मध्य प्रदेश की एक संस्था है विकास संवाद, हमें बच्चों पे बेहतरीन रिपोर्टिंग करने के लिए मध्य प्रदेश में हमने एक नायकड़े समुदाय की स्टोरी कवर की थी, जो नायकड़े समुदाय के लोग हैं पर उन्हें गलती से एक अधिकारी ने नायक लिख दिया। वो आदिवासी में आते थे पर अभी वो OBC में आने लगे, उनकी कई पीढ़ियां स्कूल नहीं गई क्योंकि वहाँ पे पलायन बहुत ज़्यादा है, वो गुजरात जाके शिफ्ट हो जाते हैं और बच्चे छोटी उम्र में भैंसे चराने लगते हैं। अभी हाल ही में इसको शेड्स ऑफ रूरल इंडिया को अवार्ड मिला है। शेड्स ऑफ रूरल इंडिया का ये पहला अवार्ड है, आप समझ सकते हैं किसी संस्थान के लिए पहला अवार्ड क्या मायने रखता है। वैसे तो मैंने बहुत सारे अवार्ड व्यक्तिगत तौर पर जीते हैं पर ये जो पहला अवार्ड है ये आपका प्यार है, ये आपका स्नेह है। मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर आप नहीं होते तो शायद हम ये सफ़र पूरा नहीं कर पाते। बेहद कमी है, उनकी सहभागिता को हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हमने अपनी मदर की याद में मीरा फेलोशिप की शुरुआत की। पिछले साल हमारे साथ 5 फेलोज थे, हमारे साथ झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, औरंगाबाद और छत्तीसगढ़, हमने 5 अलग अलग राज्यों से 5 साथियों को चुना था। हमारी कोशिश थी कि वो ग्रामीण भारत के मुद्दों को अपने स्तर से कवर करने की कोशिश करें। हमने इस साल भी मीरा फेलोज की शुरुआत की और ये दूसरा हमारा बैच है। इस बार हमें 11 राज्यों से करीब 254 एंट्रीज मिली हैं, हम जल्द ही इसका रिजल्ट निकालेंगे। हमारी कोशिश है कि इस साल यानी साल 2024 में हम अपने मीरा फेलोज के साथ कुछ अलग कहानियों को, कुछ अलग मुद्दों को कवर कर पाएँ। हमने अभी लोकसभा इलेक्शन को कवर करने के लिए एक विशेष सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है क्या होंगे गांव के मुद्दे, क्या हैं गांव के मुद्दे। इस सीरीज के तहत हम ग्रामीण भारत के मुद्दों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है आपके मन में, हमने पिछले साल भी साझा किया था, मैं इस साल भी साझा कर रही हूँ कि इस 3 साल का सफ़र मैं, नीतू और शेरशाह रूरल इंडिया कैसे सर्वाइव कर पाए, क्योंकि ये हर एक स्वतंत्र पत्रकार के दिमाग में ख्याल रहता है। तो आप सबको बताते चलें कि इस 3 साल के सफ़र में हमें दूसरे साल ही गूगल न्यूज इनिशिएटिव की एक छोटी सी ग्रांट मिली थी जिससे हमने अपने दूसरे साल का सफ़र पूरा किया। हमने पहले साल व्यक्तिगत खर्चों से बहुत सारे मीडिया हाउसेज के लिए फ्रीलांसिंग रिपोर्टिंग की, बहुत सारी फेलोशिप हमने फेलोशिप पे काम किया, बहुत सारी संस्थाओं के लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम किया। उन खर्चों से हमने शेड्स ऑफ रूरल इंडिया को चलाने की कोशिश की और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आगामी साल भी हमारे ऐसे ही चलेंगे क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई बजट नहीं है। साल 2023-24 में हमने क्रिया के साथ, क्रिया एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो महिलाओं के नारीवादी नेतृत्व के लिए काम करती है, हम इनके लिए 6 महीने के लिए पॉडकास्ट बना रहे हैं जिसका नाम है जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी। हमारी कोशिश है कि हम यूपी, बिहार और झारखंड में रहने वाली जो लड़कियाँ और महिलाएँ हैं उन वो नारीवादी नेतृत्व के साथ कैसे लीडर की भूमिका में काम कर रही हैं, उनके अपने क्या मुद्दे हैं, वो क्या सोचती हैं, उनकी क्या चुनौतियाँ हैं, वो किस तरह से आगे आई हैं, इसको हम पॉडकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह सकते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता के दौरान हमने वो कई सारे तरीके अपनाए अपने खर्चे निकालने के लिए। हमने कई जगह यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दिया कि जो बच्चे पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं वो ग्रामीण पत्रकारिता कैसे करें। हम बहुत सारी
संस्थाएं हमें बुलाती हैं कि उनके संस्था में जो वॉलंटियर लोग काम करते हैं, अगर वो अपनी संस्था का काम फ़ोन से करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, हमने उस पर भी जाके ट्रेनिंग की। कई संस्थाओं में जाके हमने महिलाओं को पत्रकार बनने की दिशा में भी काम किया, हमने उनको भी ट्रेनिंग दी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 3 साल का सफ़र बेहद सुखद था, बेहद अच्छा रहा, बेहद अनमोल रहा। अनमोल इसलिए रहा क्योंकि उसमें आपका साथ रहा। और अभी हमारे सिट्स ऑफ रूल इंडिया पे करीब 36-37 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, पर जो वीडियो की हमारी रीच है वो मिलियंस में है। हमारा एक वीडियो जो हमने बस्तर में किया था वो करीब मुझे लगता है 4 मिलियन से ज़्यादा पहुँच गया है। कुछ वीडियो हमारे 3 मिलियन में पहुँचे हैं, कुछ 2 मिलियन क्रॉस कर गए हैं, कुछ वीडियो 1 मिलियन पहुँचने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, भले हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या कम है पर हमारी जो व्यूअरशिप है, जो आप लोगों के कमेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। यही वो ताकत है जो हमें अगले 1 साल और काम को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी, आगे बढ़ाने में मदद करेगी। हमने इस बार ऐसी कुछ कहानियाँ कवर की, हम पश्चिम बंगाल गए, हमने पश्चिम बंगाल में जो महिलाएं चाय बागानों में काम करती हैं उन पे कहानियाँ की। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो अभी तक हम पब्लिश नहीं कर पाए हैं, पर जल्दी हम उसे पब्लिश करेंगे। बस आप सभी से कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, सिट्स ऑफ रूल इंडिया का काम पसंद आ रहा है, अगर मुझे आज के समय सब किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है वो आपके साथ की, मैं अपने स्वतंत्र पत्रकारों से कहना चाहती हूँ जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, चाहे वो महिला हों चाहे वो पुरुष हों, अगर वो सिट्स ऑफ रूल इंडिया के साथ एज अ सहयोगी के तौर पर, एज अ पार्टनर के तौर पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सिट्स ऑफ रूल इंडिया में अपनी सहभागिता तय करना चाहते हैं, तो आपका तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे साथ आएँ, आप हमारे साथ जुड़ें और सिट्स ऑफ रूल इंडिया को एक मजबूती दें, जिस सोच के साथ, जिस मंशा के साथ हमने इसकी शुरुआत की थी। मुझे उम्मीद है कि अगर आप स्वतंत्र पत्रकारों का हमें साथ मिलेगा, उन संस्थाओं का, उन साथियों का सहयोग मिलेगा जो स्वतंत्र पत्रकारिता में, जो ग्रामीण पत्रकारिता में, जो उन मुद्दों में रुचि रखते हैं जिन मुद्दों के साथ हमने सिट्स ऑफ रूल इंडिया की शुरुआत की थी, तो आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे, हमारी मेल आईडी पे जुड़ें, हमें हमारे बहुत सारे साथियों का हमारे पास संपर्क नंबर है, हमारे साथ जुड़ें और बस आप सबका इसी तरह से स्नेह प्यार सहयोग मिलता रहेगा। तो निश्चित तौर पे अभी हमने 3 साल पूरे किए हैं, ऐसे आगामी हम बहुत सारे साल पूरे करेंगे आप सभी के सहयोग से।